नहीं पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पृथ्वी के बहादुर बच्चों, मेरा नाम मजूरा है। लियान, तुम प्लीज जल्दी से अपनी रिपोर्ट दो। जी। आप बच्चे भी प्लीज हमारा साथ देना। जी। इंडिपेंडेंस आर्मी फ्लीट पर मिलिट्री ताकत की मदद से राज करने का प्लान कर रही है और वो इनके प्लैनेट अर्थ पर भी हमला करना चाहते हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है कमांडर लाइबर्ट? मुझे लगता है ये सब कुछ बहुत ही अजीब होता जा रहा है। हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए या हमें अपना फ्लीट छोड़ देना चाहिए? अगर हमें लड़ाई करनी पड़ी तो ये वक्त बात करने का नहीं, लड़ने का है। लेकिन हमें लड़ना तो आता ही नहीं है। हमारे 300 साल के इतिहास को देखे तो हमने कभी लड़ाई की ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम भविष्य में भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ पाएंगे। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सब सुनिए, हमारे पास वक्त नहीं है। हम सबको अपने पवित्र स्थान पर चलकर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी हालत में क्या करें। इनका क्या मतलब है डोरेमोन? सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। पवित्र स्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेचर से मिला जा सकता है। क्या तुम सच कह रही हो? वहीं से हमें सही रास्ता मिलता है और समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो किस तरह के इंसान है? वो कोई इंसान नहीं है, वो हमारे राजा है, योगदा का पेड़। चले गए थे तभी एक लड़के ने थोड़ी मिट्टी और एक चमकता पेड़ ढूंढ निकाला। उसे बहुत ध्यान से शिप पर लाया गया और तब से ये पेड़ सबकी सेवा में इतना बड़ा हो गया। उसके बाद से ही हम लोग युगोडू पेड़ से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और धीरे धीरे करके इसने हमारे दिलों में बहुत ही खास जगह बना ली है। हम जब भी बहुत ज्यादा दुखी या परेशान होते हैं तो इसके फल को छूकर जो पूछना होता है वो पूछ लेते हैं। हाँ, ये शेप तो इससे मिलती है। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जब तुम धरती छोड़कर गए थे तो ये वहीं पर गिरा पड़ा था। ओ, तो असल में ये एक फल है। युगुदु पेड़ अपना फल केवल बॉयज नाइट टीम को ही देता है। ये हर हालत में हमारी रक्षा करता है, चाहे हम कहीं दूर क्यों न चले जाएं। अच्छा, तो क्या ऐसी बात है? अरे हाँ, मैं प्लैनेट ऑफ इल्यूमिनेशन में उठ गया था क्योंकि इस फल ने मेरी जान बचाई थी। लियान, मैं इसे तुम्हें वापस करता हूँ, इसे नीचे मत गिराना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता।